अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, इन सभी में नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ संपन्न करने का कार्य हुआ है और जिसके कारण नकल माफिया पर जबरदस्त प्रहार हुआ है। जी, राज्य भर में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा के दौरान कल जगह जगह मुन्ना भाई इनकी गिरफ्तारी हुई है। जैसे की परीक्षा में 14 सॉल्वर जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। रेट है वह 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 रोजगार की संभावना, नौकरियां बढ़ी है। दूसरा, पारदर्शी तरीके के साथ हर व्यक्ति को नौकरी की संभावनाओं के साथ जोड़ने का कार्य भी किया गया। कोई भेदभाव नहीं, अगर योग्य है उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसे वंचित नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रतिभा को उसकी जाति, उसके मत, उसके मजहब के आधार पर उसके साथ भेदभाव होना, ये समाज के साथ भेदभाव है और समाज के विकास को बाधित करने जैसा। और पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कितनी भी नियुक्तियां हम लोगों ने की हैं, कोई उंगली नहीं उठा सकता। स्वास्थ्य विभाग में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, इन सभी में नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ संपन्न करने का कार्य हुआ है और जिसके कारण तात्कालिक रूप से कोई व्यक्ति कोर्ट में गया होगा, कोर्ट में मेरिट के आधार पर सुनवाई करके अंततः फैसला हमारे पक्ष में किया है। तो 5 साल बाद वीडियो का री एग्जाम हुआ और री एग्जाम में फिर से वही पुरानी गलतियां, पुरानी मिस्टेक हुई, जिनकी वजह से चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि वीडियो के री एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, घोटाले हुए हैं, कई सरगना या फिर गिरोह पकड़े गए हैं, जिनके माध्यम से ये भी पुष्टि हुई है कि जो वीडियो का पेपर है वो लीक हुआ है। और भी खुलासे लगातार हो रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे लगातार खबर पे खबर आ रही हैं, कई तरह की खबरें आई हैं और कुछ की अभी STF तलाश भी कर रही है, और अगर इनकी तलाश मतलब ये लोग मिल जाते हैं तो इनके माध्यम से और कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। वैसे STF और लगातार बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं जिन पर ये कहा गया है कि हाँ, वीडियो का परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हुआ है और कई गैंग इसमें शामिल थे, 10-10, 15-15 लाख रुपए में सिटिंग बैठी थी, और कई गिरोह ने भी चीज़ें को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, उन्होंने सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक किया है, समय से पहले उन्होंने पेपर आउट कर दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये तस्वीरें भी लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। और तीसरी तरफ चारों तरफ कैंडिडेट एक ही मांग कर रहे हैं कि वीडियो का री एग्जाम फिर से होना चाहिए, परीक्षा निरस्त होना चाहिए, क्योंकि फिर से बहुत बड़े लेवल पर स्कैम हो गया है, 15 लाख, 10 लाख, 12 लाख वालों की सेटिंग पहले ही हो गई है, तो फिर मेहनती कैंडिडेटों का कैसे नाम आएगा। तो ऐसे लगातार आप लोग देख सकते हैं ये कमेंट भर भर के आ रहे हैं और सभी जगह यही मांग कर रहे हैं कैंडिडेट की दोबारा री एग्जाम होना चाहिए, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, सारा सीट बिक चुकी हैं और पहले ही चुके थी, उससे पहले भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई और फिर से कुछ ऐसे ही चीजें हुई हैं। तो अब देखो सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है और अभी धरपकड़ चालू है, अभी भी खुलासे हो रहे हैं, और भी कुछ जगह जांच पड़ताल चल रही है, और भी कुछ खुलासे हो सकते होते हैं तो फिर हो सकता है कि आपका वीडियो का फिर से एग्जाम निरस्त हो या फिर से री एग्जाम हो। वैसे तीसरी बार होगा अगर इसमें, या फिर कह सकते कि ये एग्जाम फिर से निरस्त होता है तो। वहीं दूसरी तरफ कुछ कैंडिडेट कोर्ट वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल आप किस पे क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, बाकी खबरें तो ऑलरेडी लगातार देख ही रहे होंगे, बहुत सारी भर भर के खबरें आ रही हैं। चलिए बाकी अपडेट आप लोग चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो, वीडियो हो, आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय।